दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मूल निवासी किसान पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कीटनाशक दवाई, सबसे असरदार कीटनाशक दवाई के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे पास देखिए, एक गौमूत्र है और ये आप नीम की पत्ती देख पा रहे होंगे और ये पानी रखा हुआ है मग में। तो मैं आज इससे कैसे कीटनाशक बनाएंगे तो आप इसके बारे में देखिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले इसको बनाने की विधि। तो सबसे पहले पत्ते को इस तरीके से निकाल लें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये नीम की पत्ती हमें इस लोटी पर रख दिए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से पीस पा रहा हूँ। तो आप, मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं है तो मैं इस लोटी में पीस रहा हूँ। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जो नीम की पत्ती थी इसको मैंने पीस लिया है, आप देख सकते होंगे। अब मैं इसको जो है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, जिसमें हमको जिसमें कि आप इस तरीके से इसे डाल दें। मैंने डाल दिया है। अब है कि आप इसे इस तरीके से पकड़ लें और लगभग 100 ग्राम की नीम की पत्ती थी और इसमें लगभग 1 लीटर गोमूत्र थी और इसमें लगभग कुछ इस तरीके से आप इसको गाड़ दें। देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसकी रस निकल रही है। लगभग अच्छी तरीके से इसे आप इसकी रस को इस गोमूत्र में अच्छे से निचोड़ के गार ले। अब इसमें जो है कि एक लीटर पानी ऊपर से आप मिला दें, ताकि 1 लीटर गोमूत्र थी तो 1 लीटर आप पानी इसमें मिला दें। अब ये अच्छी तरीके से आप इसे कोई डंटा से आप इसे मिक्स कर लें। हम देखिए, इसी के नीम की जो डंटी थी इसी से मैंने इसी से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मेरा कीटनाशक अब देख पा रहा हूँ कि ये तैयार हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार कर ली है इसको हम। अब है कि इसमें इस बोतल में अब हम कीटनाशक को इस तरीके से भर देंगे। अब देख पा रहे होंगे इसको हम भर रहे हैं। ये 2 लीटर की बोतल है। इस तरीके से आप लगा दें, पूरी कंप्लीट हो गई है छिड़काव के लिए दोस्तों। अब मैं अब इसे अपने खेतों में जाकर दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम इसकी छिड़काव करते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, हम अपने खेतों में पहुँच चुके हैं। तो अब देखिए, एक कीटनाशक पूरी तरीके से असरदार है और आप देख पा रहे हैं अपने खेतों में गोभी की या टमाटर की पौध लगी हुई, जिसमें तो हम इसमें अपने छिड़काव कर रहे हैं कीटनाशक की। आई होप कि दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।